तो दोस्तों यही किला का लास्ट पार्ट था, और इसी के साथ इस किले में फिलहाल तो इतना ही कुछ बचा हुआ है। शायद म्यूज़ियम में इस किले से जुड़े हुए कुछ चीज़ रखे हुए हों। यहीं पे पास में बगल में म्यूज़ियम है, तो चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ, देखेंगे अगर म्यूज़ियम खुला होगा तो म्यूज़ियम जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था किले को अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा, और मैं फिर आज किले के पास आ चुका हूँ, जो कि फ़िलहाल में जिला अतिथि गृह है। वहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, और किले के अंदर जाके मैं फिर से इस किले को पूरा एक्सप्लोर करूँगा। तो चलिए चलते हैं किले के अंदर। तो ये किला का मुख्य दरवाज़ा है, और ये किला फैला तो बहुत दूर तक था, लेकिन फ़िलहाल अभी वहाँ तक दिख रहा है। वहाँ से आप देख सकते हैं, और इस साइड वहाँ तक, पहले ये सब कुछ नहीं था, आज ये नया नया सरकारी आवास बन चुका है यहाँ पे, और अतिथि गृह बन चुका है। तो चलिए चलते हैं किले के अंदर, देखते हैं क्या क्या है और क्या क्या अभी तक सुरक्षित है। और इस किले के अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, और फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जिला अतिथि गृह बना हुआ है, ये नया घर वो सारा बना हुआ है। वो यहाँ पे छोटा सा गुफा दिख रहा होगा वहाँ पे, जो कि अब शायद ख़त्म हो चुका है, वो उसे ब्लॉक कर दिया गया है अंदर से। और किले में ये छोटा सा पार्क बन चुका है, यहाँ पे पुलिस के द्वारा पकड़ी हुई जो डिस्ट्रॉय गाड़ियाँ हैं वो रखी गई हैं। और यहाँ पे जो मुख्य भाग देखने लायक है वो है ये सामने, ये जो प्राचीन दीवार है किले की, वो मेन बस यही दीवार बची हुई है यहाँ पे, सारा नव निर्मित है फिर तो। ये सारी दीवारें, ये सारे प्राचीन हैं। इस किले का फॉर्मेशन रुद्रदेव ने 1054 ईस्वी में करवाया था। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैनन पॉइंट है, यहाँ से कैनन फायर किया जाता था। यहाँ पे दीवार डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, नहीं तो इस रास्ते से इस पे चढ़ सकते थे हम लोग, पहले प्राचीन में चढ़ते होंगे लोग। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे इस पे चढ़ना खतरे से खाली नहीं है, दीवार उधर की साइड झुकी हुई है, कब गिर जाए कोई ठिकाना नहीं है, इस पर ध्यान देना चाहिए। ये देख रहे हैं पूरी दीवार टूट चुकी है, अलग थलग हो चुकी है सारी दीवार। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा वो सामने गंगा रिवर है, गंगा रिवर के उस पार करिएगा आप, उस पार वो यूपी है। और ये सब जो आवास बना हुआ है, अभी सरकारी आवास बना हुआ है, ये सब पहले नहीं था प्राचीन काल में। यहाँ से दुश्मनों को ट्रैक करने का बहुत आसान तरीका था, साफ साफ दिख जाते थे, और ये हाइट पर था बहुत, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों जैसा कि आपने बक्सर के युद्ध के बारे में सुना होगा, तो बक्सर का युद्ध इसी किले के पीछे जो किला मैदान है वहीं पे बक्सर का युद्ध हुआ था। मैं आपको अभी वो भी दिखाऊंगा। इस किले के ऊपर से पूरे मैदान का व्यू मिलता है, जहां से शायद पहले के ज़माने में राजा महाराजा अपनों मतलब कि जो खेल वगैरह होता था, जो आयोजन किया जाता था कुछ, उसको निगरानी करते होंगे यहाँ से। तो चलिए मैं उसको दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे कुछ जो प्राचीन गुफाएं थी उसे बंद कर दिया गया है, और स्मृति शेष में कुछ रखा गया है, उसका आगे का पार्ट रखा गया है बस। ये सारी पहले की दीवारें हैं, ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ये सारी पहले की सीढ़ियाँ हैं। और ये है गुफा, आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, इस वजह से मैं इस गुफे के ज़्यादा करीब तो नहीं जाऊँगा, इसलिए कि पूरे जंगल झाड़ टाइप का ये लगा हुआ है। आगे से देख रहे हैं वहाँ दीवार है, आगे शायद आपको दिख रहा होगा, आगे दीवार उसको घेर दिया गया है कि कोई अंदर जाए ना। तो चलिए चलते हैं। और ये सारा ये जो मकान देख रहे हैं ये सब अभी फिलहाल में बना गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर, जो बाहर के ऑफिसर आते हैं या कोई मंत्री वगैरह आए, तो यहाँ पे ये उनका विश्राम गृह है।
गेस्ट हाउस, और इधर ये पार्क है इस साइड। और हम जा रहे हैं उस पोर्शन की तरफ जहां से राजा महाराजा लोग कोई खेल आयोजित होता था या कुछ भी उसका निगरानी करते थे या उसका लुफ्त उठाने के लिए। यहीं पे शायद सिंहासन लगता होगा। इसी फील्ड में बक्सर की लड़ाई हुई थी, जो 1764 में मीर कासिम के साथ हुई थी बक्सर की लड़ाई, इसी फील्ड में। और शायद उस वक्त ये पेड़ वगैरह नहीं होंगे। और टैक्टिकल के तरीके से देखना चाहते हैं आप, देख लीजिए नीचे कितना खाई है। यहाँ से कोई चढ़ के आ नहीं सकता था। कोई चढ़ के आता तो कोई भी दुश्मन अगर चढ़ के आने की कोशिश करता तो यहाँ से उसे मार दिया जाता था। ये आप देख रहे हैं पूरा, इस पे चढ़ जाता हूँ, यहाँ से पूरा व्यू मिलेगा। ये तो दोस्तों यही किला का लास्ट पार्ट था। और इसी के साथ इस किले में फ़िलहाल तो इतना ही कुछ बचा हुआ है। शायद म्यूज़ियम में इस किले से जुड़े हुए कुछ चीज़ रखे हुए हों। यहीं पे पास में बगल में म्यूज़ियम है, तो चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ, देखेंगे अगर म्यूज़ियम खुला होगा तो म्यूज़ियम जाएंगे। और इसी किले के सामने से आप निकलते तो बक्सर लाइट एंड साउंड था, जो कि आज खंडहर हो चुका है। शायद ये उस जमाने के गेट के लिए ये इस दीवारों का ऐसा कटिंग किया गया है, ये देख रहे हैं। आप इधर के साइड चले जाएंगे तो नाथ बाबा का मंदिर आ जाएगा इस साइड, इस रास्ते से। और इस रास्ते से जाएंगे तो आपको म्यूज़ियम मिल जाएगा। और इस रास्ते से आगे जाके राइट घूमेंगे तो आप सीधा बक्सर रेलवे स्टेशन चले जाएंगे। फिलहाल नाथ बाबा के मंदिर जाने के लिए बहुत अच्छा सबवे है।